अरे यार बोलने देगा क्या? मोदी जैसा झूठा कोई नहीं है, ये बोलो। सत्ता ढीठ ही पर उतर जाती है तब जनता भी ढीठ बनेगी। 24 आने दो, तुमको सब मिल जाएगा। और जो ये कहते हैं कि 2014 में आज़ादी मिली, तो ये हमारे शहीदों का अपमान करते हैं। एक बार बहुत एग्रेसिव पत्रकार हो यार, तेरा इश्क है रोता है क्या? आगे आगे देख ले होता है क्या। तो कोर्ट तय करेगा ना कौन शिलाजीत का रोटी खाता था। जनता बनाम सत्ता की लड़ाई है। देश का वो नागरिक हूँ कि जिसे देश का बदहाली देख करके पीड़ा होती है। हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा फेमस होना है। हमको भी पता है कि बोलना आज के डेट में अपराध है। तुम भी पत्रकार हो, तुम्हें भी पता होगा कि मिड डे मील में नमक रोटी दिखाने पर जब पत्रकार नप जाता है तो हम आम आदमी का क्या होगा? ठीक है ना, आप नहीं डर रहे हैं, लेकिन आप क्या डरें? है क्या हमारे पास कि डरना है? कुछ नहीं रह गया। अब सिर्फ ये लड़ना है अपने हक अधिकारों के। लोग कह रहे हैं 2014 के बाद आज़ादी मिली, आप कह रहे हैं कुछ रही तो नहीं। उस आज़ादी में आप भी शामिल होंगे शायद। 2014 में आज़ाद होने वालों में आप भी होंगे। मैं तो 1947 में आज़ाद हुआ। एक लंबी भीड़ है जो कह रही है आज़ादी मिली है 14 के बाद। उनको मिली होगी, उनको मिली होगी। इस टाइप के सब घृणित मानसिकता के लोग हैं, ठीक है ना। और जो ये कहते हैं कि 2014 में आज़ादी मिली, तो ये हमारे शहीदों का अपमान करते हैं। ये किस हिसाब से इनको देशभक्त कहते हो यार तुम लोग? आपको क्या लग रहा है, महिला पहलवानों को इंसाफ मिल पाएगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मिला आशाराम प्रकरण ज्यादा हो गया। आशाराम प्रकरण में उन महिलाओं को इंसाफ मिला था? नहीं मिला था ना। राम रहीम के भी प्रकरण में मिला था ना। तो हमारे कानून जो है जरूर इंसाफ करेगा। ऐसा नहीं कि कोई सुप्रीम कोर्ट कभी दखल के बाद FIR हुई है, आपको लगता है? तो सुप्रीम कोर्ट ही फिर दखल देगा, देखते जाओ। लेकिन ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि जितने भी आरोप लग रहे हैं सब गलत हैं। तो गलत हैं वो तो कोर्ट साबित करेगा, जुडिशरी है ना हमारे देश में। लेकिन अब पहलवान सड़कों पर उतर गए हैं, कह रहे कि अब बड़ा होने वाला है, तो क्या बड़ा होने वाला है? पहलवान सड़कों पर उतर गए तो वो तो उतरना था। लोहिया जी भी हमारे कहते थे, हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं क्योंकि हम पीस पसंद करते हैं। तो उन्होंने भी कहा था कि सड़कें सुनी हो जाती हैं तब संसद आवारा हो जाता है। तो क्या आपको और एक बात और बताऊँ ना, सवाल प्रधानमंत्री से जो पूछता है आदमी, तो तुम उनको कटघरे में लाते हो। मैं तुम्हें अगर नेहरू के काल में ले चलूँगा ना, तो नेहरू को तुम जो आज गाली देते हैं उनको ये मेरा संदेश है कि आप लोग पढ़ लीजिएगा जरा एक बार, किसका? लोहिया जी की जीवनी में, और चाहें तो वो जवाहरलाल नेहरू जी के इसमें मिलेगा। ये वाक्य 1949 के पहले, देश आज़ाद होने के बाद का है, कि एक महिला ने इनके भेजे हुए मतलब इनकी समर्थक थी लोहिया जी की, और वो गई और नेहरू जी का कॉलर पकड़ लिया। पूछा, ये देश तो आज़ाद हो गया पर हम बुढ़िया को क्या मिला? तो नेहरू जी ने क्या उत्तर दिया था पता है आपको? तुझे वो मिल गया कि तू आज एक प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ कर खड़ी है, ठीक है। ये था उस टाइम का। अरे यार बोलने देगा क्या? ये था उस टाइम का लोकतंत्र, ठीक है ना। आज का लोकतंत्र अगर सत्ता से सवाल जनता कर ले तो जनता अपराधी कैसे है, ये बताओ आप। तो पहले के प्रधानमंत्री जब इतने लोकतंत्र प्रेमी थे, तुम उनको गाली दे रहे हो, तब जनता को बोलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, जनता को आगे आना चाहिए। अब बस है, लेकिन उन पे अब बस है, अब आना चाहिए 24 में। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अब 24 दिखेगी। अच्छा ये बताओ, कर्नाटक में जनता रोड पे दिखी थी क्या? लेकिन वोट में दिखी ना, दिखेगी। तो वो तो कह रहे हैं सिर्फ उस जगह पर सफल हो गया, बाकी इधर तो सफल होने वाला नहीं है वो। अरे यार भाई, इब्तिदा इश्क है रोता है क्या? आगे आगे देख ले होता है। यूपी चुनाव में देख लीजिए क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिली है निकाय चुनाव में। फिर वही बात है। मतलब जहां तुम लोग कैसेट की तरह बज रहे हो। पहली बार बीजेपी को मिल जाए, तुम लोग कैसेट की तरह बज रहे हो। निकाय चुनाव जो है लोकल मुद्दों पर लड़ी जाती है, और जो राष्ट्रीय चुनाव होता है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ी जाती है। तो जब तुम निकाय और राष्ट्रीय चुनाव में फर्क नहीं कर पाए, काय का पत्रकार हो? तो जनता तो ये भी कह रही है केंद्र में हमने मोदी को चुन लिया है, राज्य में हमारा डिसीजन होगा। ये जनता नहीं कह रही है, तुम जैसे चाटुकार कह रहे हो जो सत्ता के दलाल हो।
अच्छा, सवाल करने पे सत्ता के दलाल हो जाए ना, होते तो तुम ढंग का सवाल करते। तो बताइए, बृजभूषण कह रहे हैं कि अच्छा ये बताओ पत्रकार, सवाल जनता का होना चाहिए। लेकिन जनता का सवाल लीजिए, जनता का सवाल। बृजभूषण ये कह रहे हैं कि महिला पहलवान कह रही है 1000 लड़कियों के साथ शोषण हुआ है, कह रहे हैं क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता था क्या? तो कोर्ट तय करेगा ना कौन शिलाजीत का रोटी खाता था। कोर्ट बताएगा, जांच होगी। तो कहाँ कुछ हो रहा है? होगा यार, देख लो ना क्या होता है। जब सत्ता ढीठई पर उतर जाती है तब जनता भी ढीठ बनेगी। रोड पर आ गए ना आज, जनता भी रोड पर आएगी ना, इंसाफ होगा। वो कह रहे हैं 2 महीने बाद अगर आरोप साबित हो गए जूता खाने के लिए तैयार हूँ मैं। ठीक है, 2 महीना टाइम दिए ना, देख लो 2 महीना भी। लेकिन आंदोलन तो जारी रह रहा है। लेकिन कब तक आप लोग जनता में, कब तक बैठेंगे? अभी लंबा संघर्ष। जब देखो, हम तो नाइंसाफी के खिलाफ हैं। हाँ, इंसाफ की मांग है। जब साक्षी मलिक हो, विनेश पुगाड़ हो, ये इनको आप अपने देश का एथलीट मानते हैं कि नहीं, गोल्ड मेडलिस्ट मानते हैं कि नहीं, तो इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो आपको दुख है कि नहीं? तो आवाज उठा नहीं, आपको दुख है कि नहीं? हाँ, एज ए नागरिक, पत्रकार छोड़ दीजिए, देश के सम्मानित बेटियां, दुख तो होगा ही, दुख होगा ना। तो देखिए, दुख सबको है। और क्या था, पाप का भरा घड़ा, घड़ा जब भर जाता है ना तो फूटने से कोई नहीं बचा पाता। किसका पाप का घड़ा भर गया? सरकार का, कलीम जी। लेकिन ये हो रहा है कि यहाँ पे वो कह रहे कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग आ गए, यहाँ पे आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं, ब्राह्मणवाद से आजादी के नारे। टुकड़े टुकड़े गैंग कहाँ है? मैं टुकड़े टुकड़े गैंग की बात कर रहा हूँ तो बताओ, जिस टुकड़े गैंग की बात करो, जिस बजरंग बली को इन्होंने बजरंग दल से जोड़ दिया। हाँ, तो मैं यही तो पूछता हूँ, बजरंग बली, चलो बजरंग बली और बजरंग दल को जोड़ दिया इन्होंने, तो मेरा तो यही सवाल है कि बजरंग दल, बजरंग बली तो सीता माता को बचाने के लिए लंका चले गए और लंका जला भी दिया, तो बजरंग दल कहाँ है? ये जो बेटी बैठी हैं सीता देश की, दुर्गा कह लीजिए, काली कह लीजिए, ये बैठी है ना, जहाँ तो धर्म की बात आएगी वहाँ बजरंग दल आएगा, ये मानते हैं ना। तो बस तो हो गया है। तो इस पर अब सवाल ही बनता नहीं है। तो कह रहे हैं जय श्री राम का नारा लगाते हैं, भगवा भगवा रहे तो रहे। जब सब सवाल का जवाब आप दे रहे हैं तो फिर क्या? तो यही बातें हैं सो दोस्त, समझे ना। जो गलत हो रहा है उससे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो होना था हो गया। अब 24 में क्या करना है पता है, गलत को सही करना है। बीजेपी कह रही कोई वैकेंसी खाली नहीं है 24 में। हाँ, कब? किसकी वैकेंसी? प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी खाली है ही नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री झोला किसका तैयार है पता आपको? बस किसका तैयार बताइए, जिन्होंने कहा था मैं झोला उठा के चल दूंगा। तैयारी कर ले, तैयारी उनको उनको आपके माध्यम से बोल दीजिए। जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था ना कि सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है, कि अब जनता आ रही है, तो आप ये मैसेज पहुंचा दीजिए। लेकिन जनता की दिखाई नहीं दे रही, सवाल तो वही है ना। जनता दिखाई नहीं देती है, जनता सुनाई देती है, चुपके से वार कर रही है। हाँ, जनता अब दिखाएगी नहीं, वो अपने वोटों से ही जवाब दे दी, जैसा कर्नाटक में दिया है ना। 24 में भी हम अपने वोटों से। विकल्प क्या है किसका? 24 में विकल्प किसका? विकल्प कौन फेस है? फेस मोदी के चक्कर का फेस? मोदी नहीं तो फिर कौन? अच्छा, मोदी नहीं तो कौन? मैं हूँ। आप हैं? हाँ, आप प्रधानमंत्री बनेंगे, आप भी बन सकते हैं। ये देश का कोई भी नहीं। नीतीश कुमार फिर क्यों घूम रहे हैं? आपसे मिले नीतीश कुमार? हाँ, नीतीश कुमार आपसे मिले हैं? एक बार, बहुत एग्रेसिव पत्रकार हो यार, सुनो मेरी सवाल करने से। ना, एग्रेसिव तुम गंदे सवाल करते हो, इसलिए मैंने क्या कहा, 142 करोड़ की आबादी में प्रधानमंत्री बनने लायक कोई नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब। मोदी जैसा कोई नहीं है, मोदी जैसा झूठा कोई नहीं है, ये बोल।